अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को ज्ञापन। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित पालना घर व पोस्टमार्टम रूम के पास गंदगी पसरी रहती है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां पनपने का खतरा बना रहता है। वहीं शहर के बीचों बीच इतनी गंदगी होना सफाई व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द वहां की पूर्णतः सफाई कराई जाए और उक्त स्थान पर गंदगी एकत्रित न होने दी जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो जिला अस्पताल है, इसमें जो शिशु वार्ड है उसके बगल में जो मुर्दा घर बना हुआ है, वहाँ पर इतनी भीषण गंदगी वहाँ पर व्याप्त है। बायो वेस्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर भीषण कर रहे हैं और शहर के मध्य में इतनी भयानक गंदगी है कि वहाँ पर 5 मिनट भी किसी व्यक्ति का खड़ा होना दुर्गम हो जाता है। विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रही है जिला प्रशासन से कि उसकी जल्द से जल्द सफाई करी जाए, अन्यथा यहाँ पर कोई बड़ी महामारी फैलने की भी संभावना है। और इतनी मध्य में जो मोदी जी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है सरासर, उसको यहाँ पर बिना देखे कराए और यहाँ पर इस तरीके के काम यहाँ पर चल रहा है, प्रशासन की नाकामी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है कि अगर आने वाले 4 से 5 दिनों में वो सफाई सही तरीके से जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद और आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी।